हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं कहीं बाहर। जी हाँ, कहाँ जाने वाले हैं, क्या है, कौन सा फंक्शन है, वो आप वीडियो पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यस बेटा। हाँ बेटा, अभी नहीं बताना है, चुप रहिए। हाँ, तो हम लोग चलेंगे आज बाहर और एंजॉय करेंगे, और पार्टी भी है, तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। और चलते हैं, बाकी काम कर लेते हैं क्योंकि कपड़े मैंने धुल के रख दिए, उसको चलते हैं छत पे डाल देते हैं। और नाश्ता वगैरह हो गया है, लंच बन रहा है, सिंपल तरीके से दाल चावल बन रहा है, बच्चों ने दलिया का नाश्ता किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का डे कैसा जाता है। तो हमेशा की तरह कहती हूँ ना, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और फुल वॉच करिएगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। तो चलिए चलते हैं। हम लोग घर से निकल चुके हैं और इस वक्त समय हो रहा है 6 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, 6:15 या 6:10 ऐसे कुछ हो रहा होगा। और यहाँ गंगा जी का सीन आपको मैं दिखा रही हूँ। हर तरफ लाइटिंग की व्यवस्था हो गई क्योंकि अब माघ मेला जो प्रयागराज में लगता है वो लगने वाला है, आ रहा है, तो सारी तैयारियाँ चल रही हैं। और हम लोग पापा ड्राइव कर रहे हैं, हम और मेरी बड़ी सिस्टर जो बीच वाली सिस्टर है वो, और बच्चे दोनों के, वो हम लोग इतने लोग जा रहे हैं। प्रिंसी नहीं जा रही क्योंकि प्रिंसी की क्लास है ऑनलाइन इस वजह से। और यहाँ पे ट्रैफिक देख लीजिए कैसा है। और इसके बाद मैं थोड़ा बहुत सीन आपको दिखाती हूँ कि रात का सीन कैसा होता है प्रयागराज का। जहाँ आना था हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोग भाभी को देख के पहचान गएंगे और प्रांजल प्रभु को। जी हाँ, तो हम लोग आए हैं भाभी के यहाँ, इनके बड़े बेटे का बर्थडे है प्रांजल का, तो उसी में सेलिब्रेट करने आए हैं। कि ज़्यादा लोग नहीं थे, बस फैमिली मेंबर्स थे, हम और एक और भाभी थी, बस फैमिली में ही, मतलब आपसी में ही बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। और यहाँ पर प्रांजल आपको हाई बोल रहे हैं, ब्लैक कलर का सूट उन्होंने पहना हुआ है, शेरवानी बोलते हैं, तो बहुत क्यूट, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। सब लोग बैठे हुए हैं, पापा हम लोगों के साथ आए हुए थे, मैं और मेरी सिस्टर, मेरे बच्चे बस। तो वहाँ पे भाभी, एक और भाभी हैं, उनसे भी मैं आगे वीडियो में आपको मिलाऊंगी। तो यहाँ पे बच्चों का डांस स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों ने थोड़ा बहुत डांस किया, अब इसके बाद स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, जिसका सभी को बेसब्री होता है, केक कटिंग का टाइम है, तो बच्चे बैठे हुए हैं सब एक साथ। तो यहाँ पे मैंने वॉइस इसलिए म्यूट रखा हुआ है क्योंकि बैकग्राउंड में सॉन्ग्स चल रहे थे, जिस रीज़न से अपने मैंने वहाँ का ओरिजिनल जो वॉल्यूम है उसे मुझे म्यूट रखना पड़ा है। तो जब भी सुल्तानपुर से इलाहाबाद आना होता है तो भाभी अगर यहाँ पे रहती हैं तो हम लोगों का मिलना ज़रूर होता है, वैसे लगभग हमेशा ही होता है, और रक्षाबंधन पर तो ऑब्वियसली रहना ही पड़ता है। अदरवाइज़ भाभी भी गोरखपुर की ही हैं, हम लोग गोरखपुर के ही तरफ के हैं, तो भाभी फेस्टिवल वगैरह में, या कभी कभी ऐसा होता है मैं इलाहाबाद आती हूँ तो भाभी नहीं रहती हैं, तो तभी हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती है, नहीं तो हम भाभी से मिलने चले जाते, भाभी आ जाती है। और 2 दिन पहले मैंने अपना वीडियो डाला था, 2-3 दिन पहले, तो भाभी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो स्पेशल व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए आप सब भी मिल जाइए रिद्धि टुक टुक और कियारा प्रांजल प्रगु के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन में।
बात है, केक कटिंग के बाद फोटो सेशन तो स्टार्ट हो ही जाता है। फैमिली मेंबर्स के साथ फोटो लेना, बॉडी बॉय के साथ फोटो लेना, और बीच बीच में भाभी डांस भी कर रही थी क्योंकि म्यूजिक चल रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये वाला सेशन तो चलता है, जब से बर्थडे स्टार्ट हो जाता है ना, केक कटिंग स्टार्ट होने लगता है तभी से फोटो शूट्स वाला जो सिस्टम होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद भाभी बोल रही थी चलो अब डांस की बारी है, डांस के बिना तो बर्थडे सुना सुना लगता है, तो यहाँ पर डांस स्टार्ट हो गया है। तो लाइट बंद करके डांस इसलिए रखा जा रहा था क्योंकि थीम था डीजे वाला, और ऊपर आपको दिख रहा है डीजे लाइट्स, तो अंधेरे में लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा था। मैंने फ्लैश लाइट जलाई थी क्योंकि मैं मोबाइल से शूट करती हूँ तो उतना क्लियर नहीं आ पा रहा था, और इस तरीके के डीजे लाइट में डांस मैं और मेरी बहन भाभी बच्चे सब कर रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। आप भी इंजॉय करिए, हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे कियारा मस्त हो गई हैं क्योंकि उनका फेवरेट खिलौना मिल गया है। जी हाँ, इनको पेन के बॉक्स और पेन के इस तरीके के जो होल्डर होते हैं ना, इनको ज़्यादा पसंद है, और ये मिल जाए तो सब भूल जाते हैं। तो ये है मेरी भाभी, क्यूट सीन से आपको मिलाना भूल गई थी मैं। ये भी मेरी भाभी, फैमिली मेम्बर जैसे हम सब कोई यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, बच्चे पार्टी वहाँ पे है, और बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय का क्या लग रहा बाहर चले, बर्थडे बॉय गायब हो गया है, तो इनको मिलाना भूल गई। भाभी बाबू है मतलब बेटा है, तो ये है मेरी भाभी, आपको मिला दिए। तो चलिए देखते हैं कैसा ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा अंधेरे से अब लाइट अब चली है, थोड़ा सा अंधेरे से बैकग्राउंड से हम लोग उजाले में आ गए हैं, और देखते हैं क्या क्या चलता है। कौन है? तो यहाँ पे अनु कियारा को दूध पिला रही है, एक्चुअली बॉटल ले आना भूल गई थी, तो यहीं पे दूध लेकर के कियारा को दूध पिला रही थी। कह रही थी कि कियारा को दूध पिला देते हैं, क्या पता भूख लगी हो, अदरवाइज़ घर से चली थी तो दूध पिलाई थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसने कहा कि दूध पिला देते हैं। हमने कहा हाँ पिला दो, सही भी है। तो यहाँ पर कियारा दूध हीटिंग कर रही हैं और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, और डांस वगैरह हो चुका है, तो अब केक खाने का समय है। तो यहाँ पे बर्थडे बॉय ही सबको केक दे रहे थे ला करके। ये है प्रांजल बर्थडे बॉय, मैंने कहा ओफो बर्थडे बॉय केक दे रहे हैं। तो उसने खुद ही जिद किया था कि मैं दूंगा केक अपनी मम्मा से। तो यहाँ सब कोई, तो यहाँ पे भी मैंने अपनी वॉइस म्यूट कर दी है, रीजन आप लोग जान रहे, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था और प्रांजल बोल भी रहा था मुनी बुआ कैसा लग रहा है केक, मैंने कहा बहुत टेस्टी लग रहा है, और सब केक इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ हम लोग सब बैठे थे तब तक में भाभी आ गई पानी लेकर के, और वो पानी आपको दिखाएंगी शो करके। बोल रही थी ये सुनने लायक था लेकिन मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि रीजन बार बार वही है, और फिर उसके बाद केक खाने के बाद बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम लोग डिनर वगैरह करेंगे और थोड़ा सा बातें शातें होंगी, तो डिनर वगैरह करने के बाद फिर सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। तो इस तरीके से था गया आज का डे। खाना खा ली क्या? नहीं मिला बाबू, खाना खा लाए, मिला बाबू खाना खा लाए। अरे वाह गुड्डा, ए मेरा प्रांजल बाबू जिसका आज है बर्थडे, आप लोग विश करना मत भूलिएगा। तो अब हम लोग भी डिनर करके घर को निकलेंगे क्योंकि 11 बज रहा है, 11:10 या 11:05 ऐसे हो रहा होगा, तो बस निकलना है, पार्टी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसी के साथ अपने वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाय एवरीवन, गुड नाइट।